तो अपन गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर आपको भी फॉर्म भरना है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है सभी का आपके सामने दिख जाएगा आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सभी आपने जो क्वालिव, आप क्वालिफिकेशन को आप क्लियर करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा इसके बाद में अपना वापस से अपना कन्फर्म फर्स्ट नेम में वापस अपना फर्स्ट नेम डालना है मिडिल नेम अगर आपका लगता है तो डाल के वापस कन्फर्म कीजिए लास्ट नेम में आपकी जाति सर नेम डाल दीजिए वापस से कन्फर्म कीजिए आपकी मदर का नाम यहाँ पर कंप्लीट पूरा नाम डालना है ठीक है इसके बाद में आपको अपने जो भी मोबाइल नंबर आप रखना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आप डालिए वापस से उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बाद में आपको अपनी ई मेल आई को डालना है और कन्फर्म ई मेल में वापस उसी ई मेल को डाल के इस सिक्योरिटी कोड में ये कैप्चा कोड दिख है इसको आपको एंटर करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में यहाँ पर आपको ओके करना है इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा उस ओ को डाल के यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है सबमिट कर देना है जैसे आप सबमिट करोगे आपका यहाँ पर फॉर्म है जो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो आईडी पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे डी और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड एसएमएस में सेंड कर दिए जाएंगे यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी क्या एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी उसको आपको पढ़ के यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है ठीक है ध्यान रखना है जो भी आपके पोस्ट के लिए आप क्वालीफाई हो वो इसी के लिए आपको अप्लाई करना है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ठीक है इस जॉब के लिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी उसमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेनी है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो इनमें सभी पोस्ट से आपको आपके सामने दिखेगी उनमें से आप कोई एक पर सेलेक्ट आप कर सकते हो ग्रेड सेलेक्ट करोगे इसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप किस कैटेगरी से आते हो तो आपके सामने जो आपकी फीस होती है वो फीस आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक तो है यहाँ पर सात सौ पचास रुपये मेरे में यहाँ पर शो करिए तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अब जैसे आप अब आपके सामने वहाँ पर आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करना है आपको इस पॉपअप पर इसके बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए यहाँ पर वापस से ठीक है सबसे पहले आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं वो यस यस नो करना है आपको अपने रिलीजन सेलेक्ट करना है हिंदू जो भी हो आप आपको सेलेक्ट करोगे इसके बाद रिलीजन मिनोरिटी में आप कम्युनिटी में आते हो तो यस करोगे वरना नो करोगे इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी सही से डाल देनी है डेट मंथ और ईयर में आपको अच्छे तरह से आपको यहाँ पर देख लेना है इसके बाद में आपको सही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है नीचे की तरफ आना है आपके जो भी आप जितने भी साल होंगे आ जाएगा जेंडर सेलेक्ट करना है आप मेरिड हो या अनमेरिड हो वहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर कंप्लीट जो नाम है वो नाम डाल देना है फादर का फर्स्ट नेम डालना है इसके बाद में मिडिल इसके बाद में लास्ट नेम आपको डाल देना है कंप्लीट पूरा जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस लाइन वन और टू के अंदर आपको डाल देना है थ्री को आप छोड़ सकते हो इसके बाद में आपको जो भी आपका ज़िला लगता है वो जिला आपको सेलेक्ट करना है और आपका जो स्टेट है वो स्टेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर जैसे आपको पूछा जाए आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस करना है ठीक है और परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है जैसे सेम नेक्स्ट करोगे आपके सामने आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा आपने क्या पढ़ाई कर रखी है उनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप किस किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है यूनिवर्सिटी का नाम आपको डाल देना है आप किस डेट को आपने ये पढ़ाई पास की वो यहाँ पर आपको डाल देना है ठीक है यहाँ पर जिस भी साल में यहाँ पर पास की जिस भी डेट को आपने पास की वो कंप्लीट पूरे अच्छे तरह से आपको एंटर कर देना है डेट मंथ और ईयर में ठीक है इसके बाद में आपके टोटल कितने मार्क्स आए ठीक है और आपके कितने ग्रेड आए फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे ठीक है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने इस पर आपको येस पर टिक कर देना है इस वाले बॉक्स पे जैसे इस पर टिक करोगे यहाँ पर आपको फाइनल सर्टिफिकेट आपका हो गया है तो यहाँ पर आपको इस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है अच्छे से आपको ये सभी डेट आपको डालनी है आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा ठीक है आपका अगर नंबर आ भी जाता है तो आपको आप आपका आपको आसानी से यहाँ पर जॉब में ज्वाइनिंग मिल जाएगी अब आगे की तरफ यहाँ पर आपको कंप्लीट अच्छे से डेट मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है नेक्स्ट नेचर की तरफ जाना है प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन आपकी ठीक है इसके बाद में आप नेचर की तरफ जाओगे ठीक तो है तो यहाँ पर आपको मिनिमम एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा तो आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करना है वरना इसको आपको नो no कर देना है तो एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर यस yes करना पड़ेगा आपको इसके बाद में आपको एम्प्लॉयर का नाम डेजिग्नेशन आपका क्या था क्या जॉब में आपका क्या रोल था सभी आप अच्छे से इसको एंटर करोगे निचे पाओगे आपको पूछा जाएगा आप कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखिए जिसमें आप उसको पढ़ भी सकते हो लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो तो इन तीनों बॉक्स पर आपको टिक कर देना है उस लैंग्वेज का नाम लिख करके जैसे कि मैंने हिंदी लिखा है इसके बाद में आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना है न्यूज़पेपर से सोशल मीडिया से तो यहाँ पर चीज चीज़ सो सोशल मीडिया से आपसे सुना है न्यूज़पेपर से सुना है उसका नाम आपको नीचे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है इसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर सिटी से आपको पूछा जाएगा यहाँ पर आपको डाल देना है और सेवन नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है सेवन नेक्स्ट करते हैं आपके सामने यहाँ पर फोटो डालने का ऑप्शन आ जाएगा आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो पर क्लिक करना है अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर को भी चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड सिग्नेचर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर फोटो भी अपलोड हो जाएगा आपको अपने फोन से आपको लैपटॉप से आपको अपने कंप्यूटर से यहाँ पर अपलोड कर देना है आसानी से अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट आपको और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप टेंथ की मार्कशीट या आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो इसके बाद में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा ठीक है कंप्लीट अच्छे से आपको उनके नीचे नाम दिए हुए हैं वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे ठीक है आपको अपना रिज्यूम भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा ठीक है तो कंप्लीट आप इन सभी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके नीचे की तरफ आपको अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है तो उस अपलोड पर क्लिक करके आप यहाँ पर इन सभी को आप अपलोड कर दीजिए अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा और आपको पूरा फॉर्म का प्रिव्यू देखने को मिल जाएगा ठीक है रिव्यू प्रिव्यू के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा आपको पेमेंट कर देना है तो आपका जो फॉर्म है हंड्रेड पूरा सबमिट हो जाएगा मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छे से फॉर्म भरने के बारे में